हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ड्रिंक्स या मसाले ही जो हमारे घर के हैं उनके फ़ायदे आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। डेली रूटीन में कुछ चीज़ें हमारी बॉडी को, जैसे विटामिन्स हो गए, प्रोटीन है, वो ज़रूर हमें लेना चाहिए। स्पेशली तौर पर 35+ जो लोग हो जाते हैं, लेकिन आजकल बच्चों छोटों की भी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक है। तो इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, मैंने बादाम, मूँगफली और अखरोट हैं, ये प्रोटीन के रूप में दालें होगी, छोटी छोटी ये जो ब्लैक है सीड है, ये कलौंजी होगी, बालों के लिए, स्किन के लिए सबके फ़ायदेमंद होती हैं। जिनके बाल झड़ते हैं, आप अपने हिसाब से जितनी प्रॉब्लम है उनको आप दवाइयों से बेटर है आप ये घर की इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। जिनको जलन के अंदर होती है, शरीर के अंदर जिनको रहता है, खाना खाते हैं भारीपन महसूस होता है, थोड़ा सा वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, सब्जा सीड होते हैं, चिया सीड भी इनको बोलते हैं, गुण कतीरा होगी, जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है वो नियमित रूप से अगर उनको डेली लें तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चों को PCOD की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो घर में जो धनिया, साबुत धनिया होता है उसको रात को भिगो लीजिए। गैस्ट्रिक जिनको बनती है, सौंफ और अजवाइन जो है वो ले सकते हैं, रात को डिप करके सुबह उस पानी को ले लें तो बहुत जो है आराम मिलता है। PCOD की प्रॉब्लम से बच्चे जो फेस कर रहे हैं, अश्वगंधा, हल्दी होगी, शतावरी होगी और दशमूल हो गए, चितक हो गया, ये सब जो है पंसारी के शॉप पर इजी अवेलेबल हो जाते हैं। आप इस तरीके से इनको रात को भिगो कर आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप चाहें तो खाली पेट शाम को भी इनमें से कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग सौंफ जो है पहले टाइम में खाने के बाद लिया करते थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब